हम अक्सर शुभ अवसर जैसे कि हवन और पूजन और अशुभ जैसे कि दाह संस्कार आदि कामों के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियों को जलाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी काम के दौरान बांस की लकड़ी को जलता हुआ देखा या नहीं? भारतीय संस्कृति, परंपरा और आर्थिक महत्व के अनुसार हमारे शास्त्रों में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित माना गया है। यहाँ तक कि हम अर्थी के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग तो करते हैं, लेकिन उसे चिता में नहीं जलाते। हिंदू धर्म के अनुसार बांस जलाने से पितर दोष लगता है। वहीं जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़ के रखती है, उसे भी बांस के वृक्ष के बीच में गाड़ते हैं ताकि हमारा वंश सदैव बढ़ता रहे। अगर इसके वैज्ञानिक कारण की बात करें तो बांस में लेड व हैवी मेटल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेड जलने पर लेड ऑक्साइड बनाता है जो कि एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक है। हैवी मेटल भी जलने पर ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन जिस बांस की लकड़ी को जलाना शास्त्रों में वर्जित है, यहाँ तक कि चिता में भी इसको नहीं जलाते। उस बांस की लकड़ी को हम लोग रोज अगरबत्ती में जलाते हैं। अगरबत्ती के जलने से उत्पन्न हुई सुगंध के प्रसार के लिए पैथलेट नाम के विशिष्ट केमिकल का प्रयोग किया जाता है। यह एक पैथलिक एसिड का एस्टर होता है जो कि श्वास के साथ शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार अगरबत्ती की तथाकथित सुगंध न्यूरोटॉक्सिक और हेपाटॉक्सिक को भी श्वास के साथ शरीर में पहुंचा देती है। इसकी लैश मात्र उपस्थिति कैंसर अथवा मस्तिष्क आघात का कारण बन सकती है। हेपाटॉक्सिक की थोड़ी सी मात्रा लीवर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप ही लिखा है। हर स्थान पर धूप दीप नवेद का ही वर्णन है। अगरबत्ती का प्रयोग भारतवर्ष में इस्लाम के आगमन के साथ ही शुरू हुआ था। हम हमेशा अंधानुकरण ही करते हैं और अपने धर्म को कम आंकते हैं, जबकि हमारे धर्म की हर एक बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार मानव कल्याण के लिए ही बनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।